हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए, √5 जो है वो इरेशनल है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि √5 जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रूट के अंदर वैल्यू है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। तो जितने भी नंबर्स हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर √5 हुआ, √6 हुआ, √7 हुआ, √8 हुआ, √9 हुआ, नहीं, √9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √9 जो है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, क्या आता है हमारा, 3 आता है। क्लियर है? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है √9 जो होती है, एक्चुअली में ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। क्लियर है? इसलिए √9 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना। √8 का पॉसिबल नहीं है स्क्वायर रूट, ठीक है, पॉइंट में आएगा। √7 का भी पॉइंट में आएगा, √6 का नहीं। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है। ऐसे √10 हुआ, √11 हुआ, √12 हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √5 जो है इरेशनल आपको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे। इरेशनल का अपोजिट क्या होता है, रेशनल होता है। तो उसको हम एक तरह से √5 को अज्यूम करेंगे रेशनल नंबर, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स प्रूफ करेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, हमारी यही स्ट्रैटेजी रहेगी। तो वी हैव टू प्रूव √5 इज इरेशनल, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे, लेट अस अज्यूम द अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, रेशनल। तो हम कह देंगे सच दैट √5 इज रेशनल। क्लियर है? अब देखिए, रेशनल अगर है तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ए बाय बी के फॉर्म में होते हैं, जहां पर ए और बी जो होता है वो कोप्राइम नंबर होता है। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हेंस √5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए बाय बी, वही तो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स, और कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर्स, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन हो। अब आप कहोगे सर कोप्राइम नंबर्स को थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ तुम्हारे को 4 और 5, तो 4 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो 4 के फैक्टर्स निकलते हैं, एक तो 1, एक निकलता है 2, क्योंकि 1 तो सबका ही होगा 2, और एक होगा 4। ऐसे हम अगर 5 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 और 5। तो यहां पर अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर मतलब HCF की ही मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा तो कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, ओनली यहां पर 1 निकलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो 1 निकल रहा है, मतलब 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं निकल रहा है। तो 4 और 5 जो होगा वो क्या होगा, हमारा कोप्राइम नंबर होगा। 4 और 5 जो है कोप्राइम नंबर, और कोप्राइम नंबर्स हमेशा ऑलवेज इन पेयर फॉर्म होते हैं। हमेशा ये किस फॉर्म में होंगे, पेयर के फॉर्म में होंगे। सिंगल नंबर कोई कोप्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है? दो नंबर्स दिए जाएंगे और उन्हें ही आपको बताना है कि ये कोप्राइम है या नहीं है। क्लियर है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक नंबर है 6 और एक नंबर है हमारे पास में 8, अब बताओ ये कोप्राइम है। तो देखिए, यहाँ पर 6 के फैक्टर्स लिखो, 6 का फैक्टर्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। ऐसे ही 8 के अगर हम फैक्टर्स कहेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 4 होगा और 8 होगा। अब देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो 1 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर, 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, 4 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 1 के अलावा दूसरे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि 6 और 8 हमारा क्या नहीं होगा, कोप्राइम नंबर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमेशा इनके जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो 1 ही आता है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। क्लियर है? वो होते हैं हमारे कोप्राइम नंबर्स। चलिए, तो √5, हेंस हम कह सकते हैं √5 इज इक्वल टू ए बाय बी। √5 जो होते हैं वो ए बाय बी के फॉर्म में होते हैं, तो √5 इज इक्वल टू हमने लिख दिया ए बाय बी। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √5 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। √5 के नीचे क्या है, 1 है, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, √5 इंटू बी, तो √5 बी, और ए इंटू 1 ए। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इनकी दोनों साइड में स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। हमने स्क्वायर क्यों किया, एलिमिनेट करना है हमें रूट को,
इस रूट को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, स्क्वायर प्रोसेस लगाया है, तो हम इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। तो रूट फाइव बी का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रूट फाइव बी का स्क्वायर किया गया है, ऐसे ही ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया गया है ना, दोनों साइड्स में हमें स्क्वायर करना है। तो रूट फाइव बी का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो रूट का स्क्वायर जब होता है, रूट फाइव का स्क्वायर होगा तो रूट फाइव का स्क्वायर कट जाएगा, तो रूट कट जाएगा तो फाइव हो जाएगा, और बी का स्क्वायर क्या होता है, फाइव बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ये बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर को एज इट इज यहीं रहने देंगे, और फाइव को हम ले जाएंगे ए के नीचे, फाइव को ट्रांसपोज कर देंगे। तो फाइव और बी के बीच में यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो जब फाइव ट्रांसपोज होगा ए की तरफ तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर किया ए स्क्वायर अपॉन फाइव, और साइड में रह गया हमारा बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर रह गया और ए स्क्वायर अपॉन फाइव आ गया, तो ये इस तरीके से, क्लियर है। अब देखिए ए स्क्वायर अपॉन फाइव, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है ना फाइव है ना, वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर नीचे फाइव है, तो ए स्क्वायर अपॉन फाइव अगर लिखा हुआ है, तो मतलब फाइव जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो हम कह सकते हैं हेंस फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्लियर है। लेकिन एक थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है, कि अगर ए स्क्वायर को फाइव डिवाइड करता है तो ए को भी फाइव डिवाइड करेगा। इस चीज़ को मैं प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है हमारे पास में फाइव इंटू फाइव, उसको डिवाइड कर रहा है हमारा कोई, फाइव इंटू फाइव नहीं, सिक्स इंटू सिक्स ले लेते हैं, सिक्स इंटू सिक्स ले लेते हैं। अब इसको अगर कोई नंबर मेरा डिवाइड कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू डिवाइड कर रहा है, तो सिक्स इंटू सिक्स अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स को टू डिवाइड करेगा, एटीन। तो मुझे एक बात बताओ, एटीन आ रहा है, डिवाइड कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट, तो सिक्स इंटू सिक्स को अगर टू डिवाइड कर रहा है, तो ओनली सिक्स को भी तो टू डिवाइड करेगा, कितने टाइम्स, थ्री टाइम्स। आ रही मेरी बात समझ में, मतलब ए स्क्वायर को अगर फाइव डिवाइड कर रहा है तो ए को भी तो डिवाइड करेगा फाइव। तो यहाँ पर यही कहा गया है थ्योरम में, इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए। अगर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, जैसा कि यहाँ पर है। तो देखो फाइव डिवाइड अगर ए स्क्वायर को कर रहा है, तो फाइव ए को भी डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं सो फाइव शैल डिवाइड ए ऑल्सो, क्लियर है। इस तरीके से आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन देना है। अब देखिए, चलो ए के लिए प्रूफ कर दिया कि ए फाइव, ए को डिवाइड करेगा हमारा फाइव, फाइव शेल डिवाइड ए अल्सो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी के लिए भी प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे करेंगे, हेंस वी कैन से, देखिए ए बाय फाइव इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज अ सम इंटीजर। क्यों हमने कहा, क्योंकि ए को फाइव डिवाइड कर रहा है, ए को यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को फाइव डिवाइड कर रहा था, और यहाँ से हमने निकाला एक और इस थ्योरम के जरिए, ए को भी फाइव डिवाइड करेगा, इसलिए हमने लिख दिया ए बाय फाइव। और जब ए को फाइव डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर रहा था, देखो सिक्स को डिवाइड किया था टू से, तो टू थ्री जा सिक्स, तो इंटीजर निकल के आया थ्री, तो ऐसे यहाँ पर भी इंटीजर निकल के आएगा, तो इसको मैंने नाम दे देता हूँ सी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्चुअली में ए की वैल्यू नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीजर रखा सिक्स सी, ठीक है। यहाँ तो हमें ये वैल्यू पता थी ए की, तो टू थ्री जा सिक्स कर लिया था तो ये इंटीजर आ गया था, बट यहाँ पर ए है ना, इसलिए हमें ये नहीं पता, तो हमने इसको सी नाम दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सी इंटीजर हो गया। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो ए बाय फाइव इज इक्वल टू सी, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बाय फाइव इज इक्वल टू सी, तो फाइव इंटू सी हो जाएगा, और ए के नीचे, सी के नीचे वन है, तो ए इंटू वन, तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, फाइव सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू फाइव सी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और चलते हैं, तो हम कह सकते हैं नाउ वी नो डैट फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए हमें पता है फाइव बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, अभी हमने यहाँ पर देखा था कहाँ पर है, ये रहा फाइव बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो अब इसका यूज़ करेंगे हम, तो फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह पे पुट कर लेंगे थ्री सी, क्यों, क्योंकि अभी हमने निकाली वैल्यू यहाँ से, देखो ए इज इक्वल टू फाइव सी, सॉरी थ्री सी नहीं, ए इज इक्वल टू फाइव सी, तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली फाइव सी, तो पुट कर लेंगे हम ए इज इक्वल टू फाइव सी, यहाँ पर फाइव सी कर देना, ए इज इक्वल टू फाइव सी, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए की जगह पे फाइव सी पुट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फाइव बी स्क्वायर है, तो फाइव बी स्क्वायर एज इट इज़, ए की जगह पे हम क्या करेंगे, फाइव सी रखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए की जगह पे फाइव सी, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर।
अब 5b² जब करेंगे तो 5b² ही आएगा, और 5c का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और c का स्क्वायर होता है c², तो हमने एज इट इज कर लिया, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए b² है और 5 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो जब 5 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो b² और 5 ट्रांसपोज होकर डिवाइड में चल गया, तो ये हो गया एक तरह से 1/5 × 25c², या आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड में ले जाओ और 5 से इसको काट दो, तो ये बन जाएगा 5 से 5c², तो b² = 5c², क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर b² = 5c², जैसा कि वहाँ पर हम लेके गए थे a के नीचे, है ना, 5b² = a² था, तो 5 को हम a के नीचे लेके गए थे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारे पास में b² = 5c² है, तो इस 5 को b के नीचे लेके जाएंगे, तो b के नीचे जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पर आके डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो b² / 5, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में रहेगा हमारा c², क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 5, तो हम कह सकते हैं हैंस 5 डिवाइड्स b². फिर से वही वाली थ्योरम लगाएंगे कि अगर बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 5 डिवाइड करेगा, तो बाय थ्योरम इफ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो हम कह सकते हैं सो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि यार a और b जो था हमारा को प्राइम नंबर, ठीक है, और हमने पढ़ा था यहाँ पर कि को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके एच सी एफ जो होता है वो 1 होता है, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना, एक भी फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है क्या, कि जो हमने ए और बी को प्राइम नंबर लिया था, ए बाय बी लिया था ना, ए बाय बी के फॉर्म में रेशनल नंबर था हमारा, तो ए और बी हमारा जो था तो उसके अंदर तो ये भी 5 को डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर, है ना, बी बी को 5 डिवाइड कर रहा है और ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर हमने किया था ए को भी हमारा 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यार जो कॉमन फैक्टर है इनका वो 5 भी है यहाँ पर, ठीक है, 1 के अलावा 5 भी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा रेशनल नंबर्स तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं बाय 1 एंड 2 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, हैंस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो ए एंड बी हैव अ फैक्टर 5, तो ए और बी के पास में 5। अब हमने पढ़ा देयर फोर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, इसलिए जो ए और बी है जो हमने प्राइम नंबर जो हमने उसको रेशनल नंबर मान के हमने को प्राइम नंबर माना था, तो ए और बी जो है वो हमारे को प्राइम नंबर्स एक तरह से यहाँ पर प्रूफ हो गए, क्लियर है। और ए और बी अगर को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि वो नंबर भी रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल होगा, हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, पूरी लैंग्वेज इसी तरीके से यूज करनी है, क्लियर है। तो हमने जो सोचा था वो चीज़ गलत हो गई यहाँ पर, जो हमने उसको रेशनल माना था शुरू में, अज्यूम किया था, अज्यूम द अपोजिट √5 इज रेशनल, उस रेशनल को हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया, गलत साबित कर गया। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।